थे बेबे रात के बजकर बारा जिन दिल का धड़क रहा है हाय हो गया पारा Grand musty 18 साल की उम्र में हम लोग तय करते हैं कि हम लोग किसे वोट करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम लोग जानकार है इसलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देती है। तो 18 साल के ऊपर के लोग ही डिसाइड करेंगे कि उनको फिल्म देखनी है या नहीं। अब उनको हम क्या बिगाड़ेंगे, करेक्ट है? मुझे लगता है वो काफ़ी समझदार है, वो डिसाइड करेंगे उनको आकर देखनी है या नहीं देखनी। आई डोंट थिंक सो कि ये पिक्चर ऐसी है जो लोगों को बिगाड़ेगी। इतना ज़रूर कहूँगा कि ये पिक्चर ऐसी है जो लोगों को बहुत एंटरटेन करेगी। पिक्चर शुरू होने से पहले स्क्रिप्ट पढ़ते ही हम दोनों ने डिसाइड कर लिया था जो सबसे डिफिकल्ट सीन्स है, जो सबसे भारी सीन्स है, वो आफ्ताब करेंगे। वो सारे हमने ट्रांसफर किए सर, ये सीन आफ्ताब के कैरेक्टर को अच्छा लगा। दोनों ने मिलके एकदम ये षड्यंत्र रचा और पूरे वो सीन्स आफ्ताब के बेचारे के हाथ में हमने दिया। आज आपको दिखता है कि किस तरह के दोस्त जब होते हैं आपकी जिंदगी में तो दुश्मन की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको, लेकिन हाँ उनकी बदौलत से मुझे इतने अच्छे सीन्स मिले, इतने अच्छे क्लीन साफ सुथरे फैमिली वाले सीन्स मिले, तो मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों। नहीं बट ये जरूर मैं कहूँगा कि जो सीन्स आफ्ताब ने इस फिल्म में किए हैं, हैट्स ऑफ टू हिम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ कन्विक्शन फॉर एन एक्टर। मतलब हैट्स के अलावा और कुछ बहुत कुछ ऑफ टू हिम बट टेक्स अ लॉट ऑफ कन्विक्शन एज एन एक्टर टू पुल ऑफ दोस काइंड ऑफ सीन्स। जिंदगी में बहुत सारी चीजें थी जो मैं नहीं कर पाया और थैंक्स टू दिस फिल्म मुझे करने का मौका मिला। जैसे अभी आप फिल्म देख रहे हो, जैसे आप फिल्म देखिए, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे कॉलेज में लड़कियां बिकिनी पहन के आएंगी। ये जरूर होगा कि लोग इस पिक्चर देखने के बाद बोलेंगे ये कौन सा कॉलेज है यार, यहाँ एडमिशन लिया जाए।